वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। मैं हूँ अजीका अली और मेरे साथ हैं एज यूजुअल तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी, अच्छा हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी इसलिए कर रहे हैं कि आप थोड़ा हमारी बातों से पक जाते हैं, शायद बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो पे आते हैं। क्या ख्याल है? आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा फील हो। अच्छा, तो आपको बोर करने के बजाय हम फौरन वीडियो पे आते हैं। आज की हमारी वीडियो है इंडियन पाकिस्तानी गर्ल का इंडिया में विजिट पार्ट थर्ड पे आज हम रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पे दे चुके हैं। बिल्कुल, हुआ कुछ यूँ है कि हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन देर इसलिए हो गई कि इससे पहले भी बहुत सारी सजेशन थी जिन पर हम रिएक्शन दे रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। तो आइए, बोरियत का खास ख्याल रखें, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इन इंडिया जनवरी 2020 रिस्पेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, जिन जिन लोगों ने रिएक्शन दिया था तो उनके नाम लिए, ईगल रिएक्शन, न्यूज़ व्यूज। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है, वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज, और ये है एक पाकिस्तानी का विजिट इंडिया में पार्ट थ्री। तो आज था मेरा पहला दिन कैलिकट में। ये तो ये बाहर आके चाय कोई पी रहा है, ये देखिए, ये बैठने की जगह मम्मा। और मैं हूँ अपने ससुराल में। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे लोग आके आराम से बैठ के अच्छे मौसम में चाय के साथ अपना टाइम गुजारते हैं। कैलिकट में जो मैंने दादा दी का है, ट्रेडिशनल घर बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपको केरला का कुछ ना कुछ कल्चर नज़र आएगा। हर जगह आपकी नज़र जहाँ भी पड़ेगी, आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। अगर आप कोई स्ट्रीट्स में हैं या आप किसी के घर भी जा रहे हैं, आपको वहाँ पे हरियाली ज़रूर नज़र आएगी। ये जलपत्री का पेड़। जी हाँ, मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये वो वाले पेड़ हैं और पौधे हैं जो मैंने UAE में कभी भी नहीं देखे। केरला में आके मुझे समझ में आया कि why it is called God's own country। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक किस्म की टैमरिंड। ये कच्चा टैमरिंड नहीं है, ये एक टैमरिंड की किस्म है जो आप नमक के साथ खा सकते हैं ऐसे ही एज अ स्नैक। और ये रहे केरी। केरी तो हमेशा देखे हैं यहाँ भी, UAE में भी और पाकिस्तान में भी। और ये देखें बड़ी फनी, सब पाइन एप्पल ऐसे उगता है जनाब, पाइन एप्पल शायद पान का पत्ता है। तो वक्त हो गया हमारा लंच का, और हमें सर्व किया गया बेहतरीन होममेड चिकन बिरयानी। और जो घर की बनी हुई हो उसकी तो बात ही अलग होती है। इनके चावलों की भी किस्में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर मैं उसके बारे में बताने लग गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलें अब थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशनल बातें बताती हूँ आपको, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था कैलिकट में, केरला के अंदर, और मुझे जाना है FRR ऑफिस। अब ये मुझे क्यों जाना होता है, क्योंकि कोई भी नेशनैलिटी जब वो इंडिया आती हैं तो उनको FRR ऑफिस जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है अगर उनका स्टे 2 हफ्तों से ज़्यादा होता है। ये कंडीशन सिर्फ पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं, सारी नेशनैलिटीज़ के लिए है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं। केरला एक स्टेट है जिसके अंदर एक शहर है जिसका नाम कैलिकट है, कोलकाता नहीं या कलकत्ता नहीं, क्योंकि कोलकाता और कलकत्ता एक और शहर है और वो दूसरे स्टेट जिसका नाम वेस्ट बंगाल है वहाँ पे होता है। और ये कि मैं इंडिया आई हूँ विजिटर्स वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी मूवमेंट में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है,
उसके बारे में आपको मैं अलग से एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। FRR ऑफिस जाने के बाद पता चला कि जी जनाब, मुझे जाना है कमिश्नर्स ऑफिस, इस वहाँ पे मुझे अपनी हाजिरी देनी है। नहीं, मुझे हर दिन नहीं रिपोर्टिंग करनी होती, मुझे सिर्फ जब मेरी एंट्री है उस दिन और मेरी जो एग्जिट है उससे 24 घंटे पहले मुझे वहाँ पे अपनी हाजिरी देनी होती है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप केरला में हैं या किसी और स्टेट में हैं, आप सिर्फ उसी स्टेट में रह सकते हैं। अगर आपको किसी और स्टेट जाना है तो आपको उस स्टेट के बारे में और जो सिटीज़ जहाँ पे आप रहेंगे उसके बारे में लाजम लिखना है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा। टाइम भी हो चुका था, थोड़ा बहुत घूम भी लिया था, हमने कहा कि चलो थोड़ी सी जल्दी से शॉपिंग कर ली जाए, इसलिए हम पहुंच गए वहाँ के एक छोटे से मॉल में। इस मॉल का नाम फोकस मॉल है। हमने थोड़ी बहुत नेसेसरी शॉपिंग करनी थी, क्या बात, और फिर उसके बाद लग गई हमें भूख। और ये है वो रेस्टोरेंट कैलिकट के अंदर जहाँ पे मैंने पहली मर्तबा खाना खाया है। यहाँ पे जो मुझे चीज़ समझ में आई है और जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि कितने सारे नॉर्थ इंडियंस और ईस्ट इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं नौकरी के लिए, यानी कि वहाँ के जो सर्वर्स थे, वहाँ के जो शेफ्स थे, वो सब नॉर्थ इंडिया से या फिर ईस्ट इंडिया से होते थे। और ये चीज़ कि उनको मलयालम बहुत अच्छे से आती थी, हिंदी तो आती ही थी। और जब मैंने उन लोगों से उर्दू में बात की तो उनके चेहरे में ऐसी स्माइल आई कि उनको समझ में आ गई कि ये यहाँ की नहीं है, या तो ये नॉर्थ की हैं या ये कहीं और की हैं, लेकिन ये यहाँ की नहीं है। तो ये रहा मेरा पहला दिन जो मैंने इंडिया में गुजारा, केरला में गुजारा, कैलिकट के अंदर गुजारा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को एंड करूं, मैं दिल से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूं कि आपने जो मोहब्बत, जो पॉजिटिविटी मुझे दी है, उसका मैं जितना भी आपको शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहें, आपके सपोर्ट ने मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दी है। उम्मीद करती हूँ आप अपना ये सपोर्ट हमेशा मेरे साथ कायम रखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छा, मुझे इन खातून का, इस लड़की का बात करना, बताना बड़ा प्यार से, बड़ा तरीके से बड़ा अच्छा लगता है, मतलब डिटेल से में, हाँ। और बहुत ही मतलब इमोशनल तरीके से बता रही होती है, डिटेल से एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें। और एक चीज़ और का, एक बात का ख्याल ये रखती हैं बहुत अच्छा, इनकी वीडियो बहुत लेंदी हो सकती है। जब आप एक विज़िट करते हैं वहाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाँ। खाना, पूरा खाने पीने के दरमियान में वीडियो बना सकती थी, पूरा सफ़र ऑफिस के अंदर, इससे क्या बात, फिर इसकी वीडियो बन सकती थी, वे की पूरी वीडियो बन सकती थी। लेकिन बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें बता दी उन्होंने, बहुत ही काम की चीज़ें बताई। तो यूँ समझ लो कि हम भी कैलिकट होके आ गए, एक कैलिकट देखा। अच्छा, घर कितना ज़बरदस्त है, ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है किसी पार्क में बैठे हैं। छोटा सा मॉल, इतना अच्छा, इतना हंसी। कह रही हूँ, एक छोटा सा मॉल था, वो भी बहुत बड़ा, ह्यूज मॉल था, मतलब हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा मॉल होता है वैसे ही था। और घर देखा था, मुझे घर बहुत प्यारा लगा, बहुत ज़बरदस्त, इतना वहाँ बैठा हुआ जिस तरीके से वो चाय पी रहा था, ओ हो, कॉफ़ी पी रहा, ओ ऐसे टांगे लंबी करके ऐसा सुकून से बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, अच्छा लग रहा था, यानी लग रहा था कि बहुत रिलैक्स फील कर रहा होगा। अच्छा, जब आस पर ग्रीन, यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आते हैं, वो क्या कहते हैं अपना, जहाँ ग्रीनरी होती है ना, आपको सांस लेने में बड़ी मतलब फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, आपको अच्छा फील होता है। ये जब इंडिया के बारे में कुछ भी बता रही होती है ना, तो मतलब एक बहुत ही प्रेशियस फीलिंग्स आ रही होती है, क्योंकि हम भी बेसिकली इंडिया से नहीं है, बिल्कुल, तो अब हम भी पाकिस्तानी हैं, तो जैसे ये भी हमारी तरह एक पाकिस्तानी होकर इंडिया में विजिट किया, और इसकी जो भी बातें बता रही होती है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्स दे रही होती है, वो बहुत ट्रू और बहुत ज्यादा मतलब दिल को छू रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारी ही फीलिंग्स है, ऐसे ही है, बिल्कुल जिस तरीके से वो बता रही होती है, मतलब उसमें वाकई एक प्योरनेस दिख रही है, प्योरनेस दिख रही होती है, बिल्कुल वाकई ऐसा लग रहा है, फ्रेशनेस नहीं होती है, लगता है वाकई अगर हम भी होते इसकी जगह तो हम भी ऐसा ही फील करते। और बहुत शॉर्ट वीडियोस होती है, मैं कहता हूँ अगर इनकी वीडियो 12-15 मिनट की भी होगी तो ही भी व्यूज़ आएंगे, यानी कि लोग देखेंगे, पर बड़ा मतलब
अटैच करती है इनकी वॉइस, इनका बोलना, इनका सलीके से बात करना, बहुत धीमे तरीके से उर्दू में बात करी तो लोग इतना लोग मतलब खुश हो गए, बिल्कुल हैप्पीनेस दिखाई उन्होंने मुझे। तो बहरहाल वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत मतलब है कि उनका बोलना बहुत ज़बरदस्त। और फिर कैलिकट सिटी देख लिया और मज़ीद अब आगे देखते हैं। अब वीडियो को सॉर्ट आउट करके मतलब जो काम काम की चीज़ें हैं ये दिखा, आपको पता है इनके पार्ट 4 भी आ चुका है, हम पार्ट 3 भी रिएक्शन दे रहे हैं, हम दूसरी वीडियोस पे रिएक्शन दे रहे थे तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, पार्ट 4 भी आ चुका है, हम बहुत जल्दी उस पर भी रिएक्शन देंगे। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप हमारा चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स करना हमारी वीडियो पे ना भूलें। सो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।